हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.4 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्लास स्टडी में ये क्वेश्चन एक दो बार हम सैम्पल पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करें। द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग। गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने साइड पे गुलमोहर के ट्री लगाए हुए हैं 1 मीटर ईच। देयर इज अ ट्रेंगुलर ग्रासरी लॉन और उसमें एक ट्रेंगुलर पी क्यू आर ग्रासरी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर 7.14। द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट टेकिंग ए एज अ ओरिजन। पहले हमने ए को ओरिजन लेट कर लेना है 0 0। फिर उसके साथ टेकिंग ए इज अ ओरिजन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमने पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू आर अगर सी सेंटर हो। अगर सी 0 0 तो हमने पी क्यू आर के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। आल्सो कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो उससे हमें क्या फाइंड आउट होगा। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए एज अ ओरिजन। अगर ए ओरिजन है, अगर ए ओरिजन है तो ये हमारे पास 0 0 का तो क्यू पॉइंट क्या होगा 1 2 3, यानी उसका एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा 3 और वाई एक्सिस का क्या होगा 1 2। तो ये हमारे पास क्यू का पॉइंट क्या होगा 3 और 2। इसी तरह हमने आर का पॉइंट फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे है और y एक्सिस का पॉइंट 1 2 3 4 5 और यहां क्या आ जाएगा 5। इसी तरह हमने p का पॉइंट फाइंड आउट करना 1 2 3 और 4। p का पॉइंट हमारे पास क्या है 4 x एक्सिस का और y एक्सिस का 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के पॉइंट आ गए। अगर ए सेंटर है 0 0 है तो हमारे पास पी क्यू आर के पॉइंट क्या आए हैं 4 6 3 2 और 6 5। अब पहले हम एरिया ऑफ पी क्यू आर फाइंड आउट करते हैं व्हेन ए इज अ सेंटर। इफ ए इज सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी के पॉइंट आपके पास 4 6, क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 2 और आर के कोऑर्डिनेट आप 6 और 5। ठीक है तो अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और ये हमारे पास x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो हमारे पास आ गया 1/2 4 2 - 5 - 3 5 - 6 - 1 और 6 - 2 4। 1/2 4 × 3 12 3 × -1 - 3 6 × 4 24। तो 1/2 -15 + 24 9/2 स्क्वेयर यूनिट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 9/2 स्क्वेयर यूनिट। कब, जब ए इज अ सेंटर, यानी ए को हमने 0 0 लेट किया तो हमारे पास पी क्यू आर पॉइंट आ गए, तो उसके साथ हमने एरिया ऑफ पी क्यू आर फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया 9/2। अब हमने क्या करना है,
अब सेंटर हमने क्या लेट कर लेना है, सी को 0 0, उसके साथ हमने पी क्यू आर पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर सेंटर 0 0 है तो पी के पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पी के एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होंगे, 12, और वाई एक्सिस पॉइंट क्या होंगे, 1 और 2। तो क्या होंगे, 12 और 2, ये पी के पॉइंट हो जाएंगे। और क्यू के पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 6 और एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे 13 और वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। आर के पॉइंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आर के एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, 10, और वाई एक्सिस के क्या होंगे, 1 2 3, तो क्या होंगे, 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, जब सी अब 0 सेंटर है तो पी का पॉइंट है 12 2, क्यू के पॉइंट है 13 6, और आर के पॉइंट है 10 3। अब इसके साथ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। इफ सी इज सेंटर 0 0, देन सी बी एक्स एक्सिस एंड सी डी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास पी के पॉइंट क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 12 2, क्यू 13 6, एंड आर 10 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो फॉर्मूला वही, 1/2 x1 12 y2 माइनस y3 प्लस x2 3 माइनस 2 प्लस x3 2 माइनस 6। तो 1/2, 6 माइनस 3 इज 3, 3 माइनस 2 इज 1, और 2 माइनस 6 इज -4। 1/2, 12 into 3 36 प्लस 13 माइनस 14, -40। तो हमारे पास कितना आ गया, 49 माइनस 40, तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 9/2 स्क्वेयर यूनिट। अब हम इन दोनों केस से क्या ऑब्जर्व किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम इन बोथ केस, ठीक है। तो ये हमारी केस स्टडी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।